CAT 2022 slot 1, this is question number 11. Let's see this question. This question says that a trapezium ABCD has sides AD parallel to BC such that angle BAD is 90 degree, BC 3 cm, AD 8 cm. If the perimeter of the trapezium is 36 cm, then the area in square centimeter is. So ABCD हमें एक trapezium दिया हुआ है और इस तरह से दिया हुआ है कि एंगल बी ए डी जो बने वो 90 डिग्री होगा. तो कुछ ऐसे दिखा देते हैं. सपोज दिस इज अ ट्रेपीजियम एंड बिकॉज वन एंगल इज 90 डिग्री तो वी कैन शो ट्रेपीजियम लाइक दिस. नाउ एंगल बी ए डी इज इक्वल टू 90 डिग्री. वी कैन से दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी. तो बी ए डी दिस वन, दिस एंगल इज 90 डिग्री एंड बी सी इज इक्वल टू 3, दिस बी सी इज 3. AD is equal to 8, ये 8 है. If the perimeter of the trapezium is 36, complete perimeter इसका 36 है. तो we have to find out area in square centimeters. तो इस question को कैसे करेंगे देखते हैं मिलके. अगर AB को मैं X मान लेता हूँ और ये एक perpendicular है तो यहाँ से भी ऐसा ही एक perpendicular C से draw कर लेते हैं. तो अगर ये X है तो we can say that ये भी X होगा और ये 3 है तो इतना 3 हो जाएगा ये जहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर डाला है सी ई. तो बी सी और ए ई इक्वल हो जाएंगे क्योंकि एक स्क्वेयर की फॉर्म में बन जाता है. तो ये 3 हो जाएगा यहाँ तक और ये 3 है तो ये 8 है तो ये बचा हुआ हमारा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा. नाउ इट्स पेरीमीटर इज 36. पेरीमीटर होता है सम ऑफ साइड्स. तो साइड्स क्या क्या है इसकी, 3 है, ये एक्स है, नीचे वाली कंप्लीट 8 है और सी डी को हम वाई मान लेते हैं. तो वी कैन से दैट इन सब का जो सम है टोटल मिला के वो 36 है. तो यहाँ से हमारा एक्स प्लस वाई का जो वैल्यू निकल के आएगा दैट कम्स आउट टू बी एक्स प्लस वाई दैट कम्स आउट टू बी 11 उधर ले जाएं तो 25 निकल के आएगा, 25 निकल के आएगा. और वी कैन से दैट जो वाई का वैल्यू आएगा दैट वुड बी 25 माइनस एक्स हो जाएगा. अब इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं. एक ट्रिपलेट्स पढ़ाए जाते हैं क्लास में और दूसरा फिर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बना के भी इस क्वेश्चन को किया जा सकता है. तो अगर हम इसको सोल्व करें तो सोल्व करके कुछ ऐसे होगा. अगर ये y है विच इज़ 25 माइनस एक्स तो यहाँ से हम x निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के. एक्स स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स का होल स्क्वेयर. और दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये ट्रिपलेट का क्वेश्चन हो जाता है. जैसे अगर 5 है तो 5 एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13. एक ट्रिपलेट होता है 5, 12, 13 जिसकी एक साइड 5 हो बाकी दो 12 हो, 13 वाला एक ट्रिपलेट होता है. तो वो ट्रिपलेट यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट सेटिस्फाई करता है. कैसे, आप देख सकते हैं 5 एक साइड है और बाकी साइड्स अगर मैं 12 और 13 लूँ तो इनका सम 25 होना चाहिए जो कि बिल्कुल यहाँ पे सेटिस्फाई करता है. तो इसका मतलब है इनमें से एक 12 होगा, एक 13 होगा. ऑब्वियसली ये 12 होगी और ये हाइपोटन्यूज है, बड़े वाली साइड है. तो ये अगर 12 है तो ये 13 निकल आएगी. और अब आप इसमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट पाइथागोरस थ्योरम लगा के देख सकते हैं वो बिल्कुल सेटिस्फाई करेगी बिकॉज दिस इज वन ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट, यू कैन से दैट. तो मैंने दो तरीके बताए हैं, एक तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट, दूसरा इसको पूरा कंप्लीट सोल्व करना जिसको जरूरत है नहीं है फिलहाल सवाल में. तो एक्स का वैल्यू हमारा यहाँ से 12 आ जाएगा. ये वाली साइड 3 थी, कंप्लीट नीचे वाली साइड 8 है. तो एरिया निकालना था हमें इस ट्रेपीजियम का. तो एरिया निकल जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. फॉर्मूला होता है सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम. तो पैरेलल साइड्स क्या क्या है, 3 है और दूसरी 8 है. इंटू डिस्टेंस मतलब हाइट बिटवीन देम, हाइट कितनी है इनके बीच में, 12 है. तो ये आंसर होना चाहिए क्वेश्चन का. ये कटेगा तो 6 आ जाएगा. 11 × 6 = 66 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. और 66 ही सवाल का सही उत्तर था. दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन.